नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी बीते 48 घंटे से हड़ताल पर हैं और जितने भी कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारी मांग समान काम का समान वेतन नहीं मिलेगा तो जो ये हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन तक चलेगा। बीते दिनों पहले भी जितने पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए थे, जिसके कारण पटना जो है वो पूरे तरीके से कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया था। ऐसे में एक बार फिर से यह सवाल उठता है कि जब जिनके ऊपर ही सफाई की जिम्मेदारी है वो अगर हड़ताल पे चले जाएंगे तो पटना वासियों का क्या होगा। आपको बता दें कि 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, ऐसे में अभी जितने भी पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं और लगातार पटना नगर निगम के अधिकारियों और पटना नगर निगम की मेयर से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें सामान्य काम का सामान्य वेतन मिले। अगर जब तक उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती है तब तक उनका जो धरना प्रदर्शन और हड़ताल है वो जारी रहेगा। ऐसे में आपको हम आज सड़कों की, पटना की सड़कों की तस्वीर दिखाने निकले हैं कि जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पटना के मुख्य जितने भी सड़कें हैं वहाँ पर जो कूड़ा का अंबार है वो आपको देखने को मिलेगा। ये तस्वीर जो है वो आपको हम गांधी मैदान की बाहर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर कूड़े का जो ढेर है वो आपको सफाई साफ तौर पे दिख रहा होगा। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ और आपदा को लेकर बैठक कर रहे हैं, बिहार को बचाने के लिए हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं, वहीं अगर राजधानी पटना का ये हाल रहेगा तो जो लोग भी सड़कों से गुजरते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में पटना में एक भी जो कर्मचारी हैं सफाई के कर्मचारी वो सफाई नहीं कर रहे हैं तो पटना की सड़कों पर जो है वो कूड़ों का ढेर लग चुका है। ना तो घर से कचरा उठ रहा है, जो घर के लोग हैं वो सड़कों पर ही कचरा फेंक रहे हैं। तो क्या जिस तरह से जो सफाई कर्मी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं तो जो ये कचरा है वो कब तक उठेगा, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। वहीं आपको बता दें कि पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू ने जब उनका कार्यकाल 4 साल हो गया था तो उस वक्त पटना की मुख्य सड़कों पर उन्होंने बड़ा बड़ा होर्डिंग लगवाया था और साफ तौर पे उस होर्डिंग में उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल को दिखाया था पटना नगर निगम के स्वर्णिम 4 साल। अब देखने वाली बात यह होगी कि 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, तो क्या पटना नगर निगम और सरकार इनकी मांग को पूरी करती है या नहीं और जो इनका हड़ताल है वो कब तक जारी रहता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।